मध्य प्रदेश के रतलाम के नामली सेमलिया मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज में बड़ा हादसा हो गया है। यहां अंडर ब्रिज की कटिंग के दौरान मिट्टी धस गई। जिस वक्त मिट्टी धसी उस वक्त मौके पर करीब 12 मजदूर ब्रिज के नीचे काम कर रहे थे। वहीं काम कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर मलबे में बुरी तरह से फंस गया। गनीमत ये रही कि मौके पर जेसीबी मौजूद थी, जिसकी मदद से आनन फानन में मलबा हटाया गया और मजदूर को अन्य मजदूरों की मदद से बाहर निकाला गया। घायल मजदूर का नाम सुनील बताया जा रहा है और वह थांदला का निवासी है। वह रतलाम के नामली सेमलिया रेलवे अंडर ब्रिज में मजदूरी करने आया था। हादसे के बाद घायल मजदूर को नामली में प्राथमिक चिकित्सा के बाद रतलाम जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां मजदूर का इलाज जारी है। ब्लॉक चल रहा था, ब्लॉक रेलवे ट्रैक का, अच्छा, अंडर ब्रिज वाला। 15-20 आदमी थे उसमें, मिट्टी ऊपर से धसी, बाकी सब हट गए और एक ही ये जो लड़का था तो ये भाग नहीं पाया। उसमें इसके पैर भी, जैसे इधर मिट्टी ज्यादा आ गई तो पैर इधर पीछे हो गए, उसके बाद ज्यादा मिट्टी आई तो वो इसके पीछे से ऐसा गिर गया। अच्छा, तो फिर कितने लोग दबे थे? एक ही, ये अकेला था।